हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल एमआईएस ऑटोमेशन एंड डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड टैबलू। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पावर बीआई की रिपोर्ट भी है और दूसरा एक टैबलू भी है, जहाँ पे हम रिपोर्ट बनाएंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले पावर बीआई में अगर मान लीजिए हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी विजुलाइजेशन, जो है जैसे मान लीजिए कि मैं ए विजुलाइजेशन चाहिए, तो इसको यहाँ पे अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट लेवल पे हम उसको एम्बेड के रूप में यूज कर सकते हैं कि मुझे कंट्री वाइज टोटल मान लीजिए क्वांटिटी चाहिए तो यहाँ पे निकल, और फिर मुझे इसमें दूसरा चाहिए तो मैं यहीं पे एक और जो भी यूज करना है हम यहीं पे इसके साथ में यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी रख दी और मैंने यहाँ पे मान लीजिए अपनी रीजन रख दिया, तो यहाँ पे इसको मैं देखा सकता हूँ। बट अगर मुझे इसी तरह का चीज अगर टैबलू में करना हो तो मुझे अलग अलग शीट यूज करना होगा। जैसे मुझे अगर मान लीजिए चाहिए कि कंट्री वाइज टोटल क्वांटिटी, तो कंट्री और क्वांटिटी को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए सोमो में चार्ट, यहाँ पे सोमी चार्ट है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों के ऊपर कौन कौन से चार्ट लग सकते हैं इसका डिटेल आपके सामने आया। तो मान लीजिए मुझे इस तरह का चार्ट चाहिए तो ये चार्ट ले लिया मैंने, ए चाहिए तो ए ले लिया। अब इसको यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ, रोटेट आ गया। उसी तरह से मुझे अगर लाइन चार्ट चाहिए तो रीजन वाइज लाइन चार्ट चाहिए तो मैं यहाँ रीजन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए मेरे चार्ट हैं। अब इसमें रीजन वाइज लाइन चार्ट नहीं बन सकते हैं, यहाँ पे मुझे बस ले यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से जो चार्ट बनेगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। जो भी चार्ट चाहिए आपको यहाँ पे ले सकते हैं, जो चार्ट नहीं होगा वो ये हाईलाइटेड नहीं होगा, वो यूज आप नहीं कर सकते। जैसे डेट वाइज मुझे अगर क्वांटिटी पे चाहिए, देखिए डेट वाइज यहाँ पे हाईलाइट हो गया तो क्लिक कीजिए, डेट वाइज आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको मैं प्लस करके क्वार्टर वाइज या मंथ वाइज यहाँ ले सकता हूँ। तो ये आपने देखा दो अलग अलग हमने चार्ट किया। अब मुझे इसका डैशबोर्ड बनाना है, तो यहाँ पे देखिएगा न्यू वर्कशीट न्यू डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड में मुझे इन चार्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करना होगा कुछ इस तरह से। तो यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें। दूसरा कि आपका पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन बिल्कुल फ्री है, बट टैबलो के लिए आपको बाय करना पड़ेगा या फिर ट्रायल बेसिस पे चला सकते हैं। 14 दिन का ट्रायल होता है तो हर बार आपको इंस्टॉल करके वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो टैबलो और पावर बीआई को यूज करना लर्न करना सिंपल है, टैबलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा सोर्सेज है और बाकी चीजें हैं वो थोड़ा सा सहूलियत प्रदान करती है जब इसके हम कैलकुलेशन वगैरह यूज करते हैं। तो आप हमारी नई बैच जो है पावर बीआई और टैबलो की स्टार्ट हो रही है सुबह 7 बजे 22 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीट पावर बीआई कंप्लीट टैबलो के बारे में डिस्कस करेंगे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हफ्ते में 3 दिन हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में, और ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे हम बात करेंगे अपनी टैबलो के बारे में, जिसमें हर एक चीज के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कंप्लीट पावर बीआई डैशबोर्ड, डैक्स फंक्शन, पावर क्वेरी विजुलाइजेशन डैशबोर्ड और पावर बीआई की बिब कंसोल। और इसके बाद हम बात करेंगे टैबलो में डेटा कंप्रेसिंग, टैबलो स्टैटिकल्स, एनालिटिकल विजुलाइजेशन, इफेक्टिव स्क्रॉलिंग, एनालाइज डेटा, डिस्कस मॉडलिंग एंड एल्गोरिथम, लॉजिकल एंड एरोडिक कैलकुलेशन, इसी फंक्शन वगैरह होते हैं, बस नाम अलग अलग बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को, 12 लोगों की सीट है, फटाफट बुक कीजिए, 22 तारीख में टाइम नहीं है, तो फटाफट अपनी सीट को बुक कीजिए। थैंक यू।